All right, welcome to English class of ACE Academy. I hope that everybody can see me and hear me properly. All right, so let's begin. Since this is the first class of your batch, so I'm going to give a short introduction, and then after that, we'll straight away start with our course. जैसे कि आपको पता है कि ACE Academy में आपके जो English Precis और Composition का जो paper होता है, CSS का, PMS का, उनको उन्होंने आप लोगों की फैसिलिटेशन के लिए दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है. जो मेजर क्वेश्चंस होते हैं दैट इज हैंडल्ड इन अ सेपरेट क्लास, एंड दिस क्लास इज एक्सक्लूसिवली फॉर इंग्लिश ग्रामर. जो सिर्फ आपको इंग्लिश प्रेसी और कॉम्पोजिशन के पेपर के लिए हेल्प नहीं करेगा, बल्कि साथ में आपकी जनरल इंग्लिश की इम्प्रूवमेंट के लिए भी होता है, और इट हेल्प्स इन योर अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस ऑफ अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, क्योंकि इंग्लिश ही आपको जो आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, पेपर्स जिसमें आपने लेने होते हैं सीएसएस पीएमएस के, वो इंग्लिश ही होता है. सो द बेसिक एम ऑफ दिस क्लास इज कि आपका फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंग्लिश प्रेसी और कॉम्पोजिशन के पेपर में जो ग्रामर का पोर्शन होता है वो आप अच्छे से अटेम्प्ट करना होता है. इट्स ऑफ 5 मार्क्स. बिसाइड्स दैट देयर आर इडियम्स, प्रोवर्ब्स, देयर आर फ्रेजल वर्ब्स, ट्रांसलेशन का एक क्वेश्चन होता है. एंड बिसाइड्स दैट, इसके अलावा भी और किस्म की भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पेयर ऑफ वर्ड्स, इनके सेंटेंसेस बनाने होते हैं. पैराग्राफ राइटिंग भी कुछ जो है पीएमएस में होती है, जैसे पीएमएस केपी में पैराग्राफ राइटिंग भी होती है. देन देर आर सेंटेंसेस विद इंस्ट्रक्शंस गिवन. कोई सेंटेंस दिया होता है और आगे ब्रैकेट्स में इंस्ट्रक्शन दी होती है कि आपने सेंटेंस के साथ करना क्या है. ठीक है, सो ये भी होता है. एंड ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स भी होता है. वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स दिए होते हैं, उनके सेंटेंसेस आपने बनाने होते हैं. सो दीज आर ऑल डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस दैट यू मे कम अक्रॉस कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो पीएमएस हो, सीएसएस हो, या कोई और एग्जाम हो. विल बी फोकसिंग ऑन दीज. नाउ लेट मी टेल यू अगेन अ लिटिल बिट अबाउट हाउ वी गो अबाउट दीज कमिंग क्लासेस. हम बहुत बेसिक से शुरू नहीं करेंगे. डोंट एक्सपेक्ट कि मैं बिल्कुल नाउन से शुरू करूंगी और then we'll move to each part of speech. We will be covering them in a different way from the exam point of view. ठीक है, noun किस तरह से exam में आएगा उस point of view से हम उसको cover करेंगे. Adverb किस तरह से आएगा exam में, verb किस तरह से आएगा, we'll be covering all those, but in the form of जिस तरह से आप question expect कर सकते हो कि paper में question कैसे आएगा. ठीक है, we'll be doing tenses. We'll be doing active and passive voice, narration, direct and indirect narration. We'll be doing conditionals, which are very important from your exam point of view. We'll be focusing on prepositions, punctuation, because CSS ke new course mein punctuation is a major part. So hum punctuation ko thoroughly cover karenge. We'll be focusing on adverbs, verbs, a little bit of conjunctions as well, kyunki wo punctuation ka bhi part hota hai. And in this way, we'll be moving forward with certain rules, जो बहुत ही important है आपके exam point of view से. जहाँ तक sentence correction की बात है, उसमें I'll take an exclusive lecture on it, जिसमें different किस्म की mistakes होंगी, and we'll be discussing them, and उसको किस तरीके से जो है correct करना है. हर एक question को हम individually करेंगे. इसके अलावा वोकैबुलरी वगैरह जो है वो सेपरेटली कवर होगी डिफरेंट क्लास में. अगेन आई वुड से दैट इन दिस क्लास वी विल बी फोकसिंग ऑन ग्रामर रूल्स, ग्रामर के, एंड ऑल दीज पॉइंट्स, ऑल दीज टॉपिक्स व्हिच आई जस्ट इंट्रोड्यूस टू यू, इन पे हम जो है फोकस करेंगे. इफ देयर इज एनी क्वेश्चन प्लीज फील फ्री टू आस्क. कीप इन माइंड कि हमारे क्लास का डेकोरम जो है वो बड़े अच्छे से आपने सबने फॉलो करना है. ऑनलाइन क्लास का you will not be given slides. जो भी आपने नोट डाउन करना है वो आप क्लास के दौरान नोट डाउन करें. इट्स गोइंग टू बी 1.5 आवर क्लास, 1.5 आवर क्लास. सो आपने जो भी पूछना होता है, यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क मी. आई वुड रिकमेंड कि जो टॉपिक के एंड में जो है आप क्वेश्चन अपना पूछें, नोट डाउन कर लें अपने साथ अपनी कॉपी में, और जो भी क्वेश्चन होता है यू कैन आस्क मी एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, नॉट एट द एंड ऑफ द लेक्चर. ठीक हो गया. I'll be giving you exercises to do during the class and as homework as well. Kuch class mein karenge, kuch as homework dungi, and we'll be discussing those in the next class. Is tarah se hum usko cover karenge. Also mock tests bhi honge aapke, so be prepared, be ready to learn.
And since you all have made a decision that you will be appearing in competitive exams, whether this year or in the coming years, have that focus, have that enthusiasm that you have to learn and have to absorb as much as you can. जहाँ से भी आपको information मिलती है, जहाँ से भी आपको knowledge मिल रहा होता है, try and absorb that. ठीक है? I myself is a PMS officer from Khyber Pakhtunkhwa. I belong to Peshawar, but I'm settled in Lahore. And I'm also doing my PhD, which is at the last stages of thesis writing. And even though I have taught for about 7 years, I have taught English literature and English language for 7 years before doing PMS, before clearing PMS. Teaching has always been a profession, a noble profession for me, which was, you know, I would say ki hamara ek family profession tha, because my family is are all educationists. So I was very much attracted to this profession. And just like, you know, English language, ghar pe hamesha se, because of my father, we have had this sort of a passion that we would want to serve. So that is why I'm continuing with my teaching. And what subject is I? I is the subject and gave is the verb. I is the subject. So let's have it again. I is the subject. Gave is the verb. Khan is the indirect object. A book is the direct object. Now, gaur se suniyega mera question. Humne example ki, I gave Khan a book. Isme indirect object Khan pehle hai aur direct object a book baad mein hai. Can anyone change the sequence of these words in this sentence? Iska sequence change karke aap किसी तरीके से ऐसे कर सकते हो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट से पहले आ जाए? रेज योर हैंड. इस तरीके से यू आर डिस्टर्बिंग एवरीबॉडी. यस, रेज योर हैंड. जी, यशा फातिमा, एम आई प्रोनाउंसिंग योर नेम करेक्टली? बुक इज गिवन बाय खान. अ बुक इज गिवन. नो बेटा, सब्जेक्ट वर्ब अपनी जगह ही रहेगा, सिर्फ आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करना है. जी मुनज़्ज़म. I gave a book to Khan. Very good. I gave a book to Khan. आपने इसमें two add किया है. What is two? Umar Dras, what is two? Two is? Preposition. Very good. Preposition. Two is preposition. I gave a book to Khan. ठीक हो गया? I gave Khan a book. I gave a book to Khan. Okay, let's take the next example. यशा, अभी मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल में एक्सप्लेन करने लगी हूँ, सो प्लीज गौर से सुनिएगा, फिर आपका क्वेश्चन भी आंसर हो जाएगा. लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जांपल. आई गेव द डॉग अ बोन. आई गेव द डॉग अ बोन. नाउ आई एम गोइंग टू टेक नेम्स. तौसीफ, मोहम्मद तौसीफ. नाउ लिसन टू माई क्वेश्चन. वॉट डिड आई गिव द डॉग? वॉट डिड आई गिव द डॉग? A bone. So bone. A bone is what according to subject, verb, object? It is direct object. Very good. Direct object. Very good. Very good. Okay, so let's see next question. Bilal Manzoor, indirect object kaun sa hai? Dog. The dog is the indirect object. Very good. And Hand free tab tak maine सामने सही की तब तक आंसर होने दे. ओके, लेट्स सी. ईशा मरियम, बेटा आप बताइएगा, व्हाट अबाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब? इसमें कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा वर्ब है? ऑलराइट, ताहिरा मलिक, कैन यू हियर मी बेटा? यस मैम. मैम इसमें आई सब्जेक्ट है और गिव वर्ब है. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, एंड माय लास्ट क्वेश्चन, हु इज गोइंग टू आंसर दैट? लेट्स सी. सहर तलहा, इसी क्वेश्चन, इसी सेंटेंस को आप ऐसे चेंज करो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाए. आई गिव अ बोन टू द डॉग. वेरी गुड. आई गिव द बोन. आई गिव अ बोन टू द डॉग. वेरी गुड. सो यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो व्हाट का आंसर देता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीपल और एनिमल्स होते हैं. नाउ गौर से देखिएगा, एक टिपिकल एग्जांपल क्या होती है, टिपिकल मिस्टेक क्या होती है. हमने कहा था आई गेव खान अ बुक,
और इसको जब हमने चेंज किया था सो आई सेड आई गेव अ बुक टू खान. नाउ गलती क्या होती है, आई गेव टू खान अ बुक, दिस इज अ मिस्टेक, दिस इज रॉन्ग. हो सकते हैं आपके पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आए, इस तरह का सेंटेंस आए एंड यू शुड नो दैट व्हाट इज रॉन्ग विद दिस. आई गेव, इसको कैसे करेक्ट करेंगे, आई गेव टू खान अ बुक. सरमद सलीम बेटा इसको ठीक कीजिएगा. आई गेव टू खान अ बुक, व्हाट्स द करेक्ट वे टू डू इट. Gave to Khan a book, ma'am. And correct करना इसको. इसको correct कीजिए. Gave to Khan a book. I gave Khan a book. I gave Khan a book. Very good. और अगर हमने इसको to को रखना है, तो फिर किस तरह करेंगे? To कहाँ place होना चाहिए? I gave a book to Khan. Very good. Very good. So you have got it. The indirect object never has a preposition when it's before a direct object. So ये mistake आपने नहीं करनी. All right, so let's move forward. To sum up what we have just done, subject, verb, object, this is the sequence. ठीक है? दूसरा क्या है? अगर object दो हो, यानी direct, indirect हो, subject, verb, indirect object पहले आता है, फिर direct object आता है. ठीक है? For example, I gave her some flowers. I gave her some flowers. Now, her kya hai yahan par? Indirect object. Direct. Or some flowers kya hai? Direct object. Direct object. Isi ko jab hum change karte hain, to subject, verb, direct object pehle aa gaya, phir preposition aaya, and then indirect object. I gave some flowers to her. I gave some flowers to her. Direct object answers the question of what. Indirect object are people or animals. Just take 1 minute, go through it. If there's any question, please ask. Good, yes. Good answer, Mehak. Anyone else? Verb ko sirf modify karta hai ya aur kisi cheez ko bhi karta hai? Adverb ko bhi modify karta hai aur iske alawa verb ko bhi modify karta hai, adjective ko bhi. Very good. Sovia, was that you? किसने आंसर किया? सोविया आप बता रहे थे. निम्रा ने. और मैम इसकी मीनिंग भी चेंज होती है सेंटेंस के. वेरी गुड. चेंजिंग आती है मीनिंग में. हाँ बिल्कुल. ओके सो यू आर राइट. एडवर्ब्स जो हैं ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मॉडिफाई करते हैं या फर्दर मीनिंग देते हैं वर्ब्स को भी, एडजेक्टिव्स को भी और एडवर्ब्स को भी. नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी. He walks quickly. He walks quickly. Now, walks is the verb. Quickly बता रहा है कि वो किस तरह से walk करता है. वो slow walk नहीं करता, वो quick walk करता है. So, quickly जो है, वो क्या है? Adverb है, जो modify कर रहा है, walks को जो verb है. ठीक है? Now, let's see another example, जिसमें adjective को, adverb को जो है, वो modify करे. बल्कि इसी example को कर लेते हैं. He walks, नहीं, let's see, पहले adjective का देखते हैं. When you say she is beautiful, ठीक है? Now, beautiful क्या है? Adjective है, because it is giving meaning to she, और उसको आप कह सकते हो कि उसको modify कर रहा है. और what is she? Noun है, pronoun है. So, इसको हम जब convert करते हैं, she is very beautiful, ठीक है? She is very beautiful. Very जो है, that is adverb, जो beautiful को further modify कर रहा है कि वो beautiful नहीं है, she is very beautiful. ठीक है, इसी को देख लेते हैं further. She is really very beautiful. Beautiful क्या है? Adjective है. Really क्या है? Adverb है जो beautiful को modify कर रहा है. Very क्या है? Adjective, adverb है जो ब्यूटीफुल को मॉडिफाई कर रहा है. और उससे पहले जब हमने रियली लगा दिया, शी इज रियली वेरी ब्यूटीफुल, तो रियली जो है वो वेरी को फर्दर मॉडिफाई कर रहा है, वेरी को और पावर दे रहा है. सो रियली भी एडवर्ब है, वेरी भी एडवर्ब है, लेकिन ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव. सो एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को और एडवर्ब्स को फर्दर मीनिंग देते हैं या उनको मॉडिफाई करते हैं या उनको इंटेंसिफाई करते हैं. ठीक हो गया? Now, let's see. Adverbs का जो important चीज है वो उनकी placement है sentence में. Sentence में उनको कहाँ पर place करना है.
ठीक है. नाउ देयर आर सेवरल प्लेसेस जहां पे आप उनको प्लेस कर सकते हो, लेकिन एक जगह पे आप प्लेस नहीं कर सकते, जहां जो अक्सर एग्जाम में आता है और आपने सेंटेंस करेक्शन में उसको ठीक करना हो. नाउ लेट्स सी, देयर आर सम टिपिकल मिस्टेक्स ऑन द स्क्रीन. माय मदर रेड केयरफुली द रेसिपी. माय मदर रेड केयरफुली द रेसिपी. सबसे पहले तो देखिए वर्ब क्या है जी ताहिरा, व्हिच इज द वर्ब. मैम इसमें रीड है वर्ब. रेड, रेड इज द वर्ब. माय मदर रेड केयरफुली द रेसिपी. रेड इज द वर्ब. ताहिरा आप ही कंटिन्यू कीजिए, बताइए कि एडवर्ब कौन सा है. केयरफुली इज द एडवर्ब. बट देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस सेंटेंस, वी विल कम बैक टू दिस. निमरा यू टेल मी, आई ड्रैंक क्विकली अ कप ऑफ टी, व्हिच इज द वर्ब इन दिस. मैम प्लीज रिपीट करते क्वेश्चन, सॉरी लिसन. स्क्रीन पे है, आई ड्रैंक क्विकली अ कप ऑफ टी, इसमें वर्ब कौन सा है. ड्रैंक वर्ब इज ड्रैंक. और एडवर्ब क्या है निमरा. इसमें एडवर्ब क्विकली है मैम, इसमें जो है मिस्टेक है. बिल्कुल, अभी हम पढ़ने लगे उस मिस्टेक को. नाउ लेट्स सी, दोनों जो है सेंटेंसेस इनमें मिस्टेक्स हैं, क्योंकि इसमें एडवर्ब की प्लेसमेंट गलत हुई हुई है. एडवर्ब की प्लेसमेंट इन्होंने वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में की हुई है. क्या है, नेवर पुट एन एडवर्ब बिटवीन अ वर्ब एंड इट्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इट्स ऑब्जेक्ट. नेवर पुट एन एडवर्ब बिटवीन अ वर्ब एंड इट्स ऑब्जेक्ट. वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में आपने कभी भी एडवर्ब नहीं लगाना. आप लगा कहां सकते हो, लेट्स लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल वंस अगेन. माय मदर रेड केयरफुली द रेसिपी, ये तो गलत है बिकॉज इसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में लगाया हुआ है. माय मदर केयरफुली रेड द रेसिपी, वर्ब से आप पहले लगा सकते हो. माय मदर केयरफुली रेड द रेसिपी. माय मदर रेड द रेसिपी केयरफुली, आप आखिर में भी लगा सकते हो ऑब्जेक्ट के बाद. माय मदर रेड द रेसिपी केयरफुली. और आप बिल्कुल स्टार्ट में भी लगा सकते हो थोड़ा सा ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए. और नॉर्मली जो राइटर्स होते हैं वो इस तरह से कहते हैं, केयरफुली माय मदर रेड द रेसिपी. ठीक है, स्लोली द विंड ब्लू, इस तरीके से जो है वो ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए इसको यूज किया जाता है. नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स सी. मैम एक्सक्यूज मी, मैम आपने कहा था नेवर पुट एडवर्ब डायरेक्ट टू ऑब्जेक्ट, और किससे डायरेक्ट. और लाहौर के साथ मैंने इन यूज किया. आई एम एट माय होम इन लाहौर. और से सुनिएगा, आई एम एट लाहौर इन पंजाब. आई एम एट लाहौर इन पंजाब. आई एम एट पंजाब इन पाकिस्तान. आई एम एट पंजाब इन पाकिस्तान. पंजाब छोटा है और इन पाकिस्तान बड़ा. बिल्कुल. आई एम एट पाकिस्तान इन एशिया. आई एम एट द एयरपोर्ट इन कराची. आई एम एट द एयरपोर्ट इन कराची. गॉट इट. नाउ एट विल बी विद द स्मॉलर यूनिट, इन विल बी विद द लार्जर यूनिट. और स्मॉलर यूनिट पहले लिखना है, लार्जर यूनिट. आप ये नहीं कहोगे आई एम इन कराची एट द एयरपोर्ट. नो, आई एम एट द एयरपोर्ट इन कराची. Yes. Any questions so far? Avais, I think आपका भी एक question था. So please go ahead. No, ma'am. वो था, आप बोलिए. मैंने तभी कहा था अपने साथ note down किया करें. ठीक है? Note down किया करें, छोटा सा scribble कर दिया करें side पे. This is the question I want to. जी, Nasreen. So basically हम place के लिए हमेशा ऐसे करते हैं कि हम smaller unit पहले लिखते हैं और larger unit बाद में लिखते हैं. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो ट्रेन स्टेशन और लाहौर, तो इसमें ट्रेन स्टेशन छोटा यूनिट है, लाहौर बड़ा यूनिट है. और जब छोटे यूनिट के साथ आप एट लगाओगे और लार्जर यूनिट के साथ आप इन लगाओगे. आई एम एट द रेलवे स्टेशन इन लाहौर. ठीक है, आई एम एट द बस स्टॉप इन इन मुल्तान. ठीक है, आई एम एट द एयरपोर्ट इन कराची. So at will be with this. आपको स्क्रीन पे जो शो हो रहा है, we arrived at Islamabad in Pakistan. We arrived at Islamabad in Pakistan. So Islamabad is the smaller unit, Pakistan is the larger unit. So Islamabad आपने पहले लिखा, Pakistan बाद में लिखा. दूसरी चीज आपने क्या की, at लगाया Islamabad के साथ क्योंकि वो छोटा यूनिट है,
और इन लगाया पाकिस्तान के साथ क्योंकि वो लार्ज एलिमेंट. अच्छा ओके. सो प्रीपोजिशंस वैसे हम सेपरेटली भी करेंगे बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक डे ठीक है तो आप ऑन यूज करते हो लाइक फॉर एग्जांपल ऑन माय बर्थडे ऑन ईद डे ऑन 26th ऑफ जुलाई ऑन 30th ऑफ ऑगस्ट ठीक है तो डेट्स के साथ आप ऑन यूज करते हो. आई एम एट माय रूम इन माय होम इन माय होम माय आ जाएगा. आई एम एट माय रूम इन माय होम इन माय हाउस. ओके महक प्लीज आपका कोई क्वेश्चन है. यस मैम डेट के साथ सम टाइम एट यूज होता है तो वो कंडीशन क्या होती है जब डेट के साथ या किसी टाइम के साथ हम एट मेंशन करते हैं. टाइम के साथ एट यस मैम एट विद डेट. नहीं टाइम के साथ तो एट यूज होता ही है बिल्कुल. यू नो जैसे कि एट 4 o'clock एट 5 o'clock वो तो टाइम के साथ हमेशा एट क्लॉक टाइम के साथ आप हमेशा एट यूज करते हैं. और ऑन नहीं हो सकता टाइम के साथ on 4 o'clock on 4 o'clock I have never heard that. Okay ma'am, thank you. Okay so let's have an exercise. Ji ma'am, if we don't have the time fixed like you say I will see you tomorrow by 10 p.m. but 10 p.m. is not fixed to uske liye hum ye use kar sakte hain by 10 p.m. ha by aap kar sakte ho. हाँ क्योंकि यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक टाइम. आप कह रहे हो कि बाय 10 o'clock मींस के आगे पीछे टाइम हो सकता है ठीक है. मैम एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी मैम. फॉर एग्जांपल हम यूज करते हैं कि आई एम इन मार्केट या एट मार्केट होगा. इसमें आप दोनों यूज कर सकते हो क्योंकि आपने कोई छोटा और बड़ा यूनिट नहीं यूज किया. आपने एक यूनिट यूज किया वो मार्केट का ठीक है. आई एम एट द मार्केट मतलब अगर हम लोग साथ बता रहे हो हम कोई सिटी वो तो ये होता है ना जब आप दो डिफरेंट यूज कर रहे हो ठीक है. फॉर एग्जांपल मार्केट आपकी जो है वो कारखानों में है तो आप ये कहोगे आई एम एट द मार्केट इन कारखानों ठीक है. लेकिन मैम टू द शॉप एडवर्ब ऑफ प्लेस है और एडवर्ब ऑफ मैनर है मैम. By bus. Yes, ma'am. ठीक है. Adverb of time इसमें है? No, ma'am. No, adverb of time. Very good, Sanya. Anam, you are next. Number 4. He was born on the 1st of January 1990. It was a correct one. It's a already correct. Very good. Very good. It's already correct. Ji, Sarmad, number 5. We lived last year in England. Last year we lived in England. Last year we lived in England. You have placed time at the start. Which rule have you applied here? MPT. MPT. Yes. So time should go at the end. Can you correct it? Can you correct it again? Number 5. We lived in England last year. We lived in England last year. So England is the adverb of place. And last year is the adverb of time. There is no adverb of manner in this one. Very good. Ji Hamza, number 6. Who did you meet last night at the party? Who did you meet at the party last night? Who did you meet at the party last night? Which rule have you applied here? First one, MPT. First one, very good. Aur ispe manner nahi hai, sirf adverb of place or time hai. Which is the adverb of place? At the party. And adverb of time? Ji Hamza, adverb of time kaun sa? Last night. Very good, very good. So, who did you meet at the party last night? Nadia Khan, you are next. Number 7, they stayed last summer in Murray at a campsite. Okay, Nadia, can you hear me? Ramin, can you hear me? Yes, ma'am. Ji, Ramin, can you do number 7? They stayed last summer in Murray at a campsite. Ma'am, they stayed at campsite in Murray last summer. Very good. They stayed at a campsite in Murray. लास्ट समर. इसमें दो रूल्स अप्लाई हुए हैं. एक तो एमपीटी है, मैनर इसमें नहीं है, थर्ड वाला टाइम है, और एक साथ में थर्ड रूल अप्लाई हुआ है. इसमें स्मॉलर यूनिट पहले आता है एट अ कैंपसाइट, लार्जर बाद में इन मरी. मैम ये इस तरह भी हो सकता है कि दे स्टेड लास्ट समर एट अ कैंप इन मरी.
बेटा ये आपने फिर इसमें दो करेक्शन है, आपने एक करेक्शन तो की है, लेकिन लास्ट समर क्योंकि टाइम है वो आखिर में जाएगा, तो दैट इज इम्पोर्टेंट एज वेल. दे स्टेड एट अ कैंप साइट इन मरी लास्ट समर. लास्ट समर, लास्ट समर आखिर में जाएगा जी. रिजा अकबर, मतलब मैम टाइम जो होता है वो आखिर में चला जाता है. टाइम आखिर में, फर्स्ट वाले में यस्टरडे मैनर को पहले लगाया. बेसिकली जो रूल है वो ये है कि मैनर शुड बी बिफोर place and time. ठीक है, manner should be before place and time. So even that is correct. Our team brilliantly played in the match on Saturday. That's correct. All right. So this was regarding. जी. मैम ninth वाला ऐसा नहीं होगा. I travelled by bus to the Gilead at the weekend. के पहले adverb of manner, फिर place और time. बेटा the thing is कि जब मैंने आपको बताया rule number two. कि वन जो है वो टू में कब कन्वर्ट होता है, जब ट्रैवल वर्ब हो. वर्ब जो है वो ट्रैवल वर्ब हो. वर्ब इसमें कौन सा है, इसमें वर्ब है ट्रैवल्ड. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ट्रैवल वर्ब, ऐसा वर्ब जिसमें आप पूरी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो, जिसमें गो आता है, रन आता है, वॉक आता है, ट्रैवल आता है, नो इस टाइप के वर्ड्स जिसमें आप पूरी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो, उसमें आपने रूल को एम्प्टी को PMT बनाना होता है. ठीक है, शायद आप उस टाइम पे आप डिस्कनेक्ट हो गए थे. ओके, हाँ, प्लेस पहले आएगा, फिर मैनर आएगा, फिर टाइम. मैम जी जी. मैम आई हैव अ क्वेश्चन. मैम ये जो नंबर 9 है, आई ट्रेवल टू द गिलियाद बाय बस एट द वीकेंड. मैम यहाँ वीकेंड की जगह पे अगर संडे मेंशन होता तो यहाँ पे ऑन लगता, ये एट और ऑन में कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि डेज और डेट्स के साथ हम ऑन लगाते हैं ना. हाँ, फिर ऑन होता. देखिए वीकेंड के साथ भी आप ऑन लगा सकते हो. वीकेंड लगाया था, एट लगा सकते हो, ऑन भी लगा सकते हो, ओवर भी लगा सकते हो. ठीक है, एट द वीकेंड, on the weekend, I'll see you over the weekend. Okay, I'll catch up with you over the weekend. I'll see you, I'll visit you on the weekend. Okay, so weekend ke saath aap at, on aur over teeno laga sakte hain. Right ma'am, thank you. Lekin jab aap days of the week use karte ho to normally on lagta hai, on Sunday. Okay, on Monday. Lekin jab aap aage specific day ke saath aage time bhi laga dete hai, jaise ki अगेन उसमें भी ऑन लगते, ऑन संडे मॉर्निंग, आई सॉ हिम ऑन संडे मॉर्निंग. मैम अगर यहां पे इयर्स और मंथ्स ऑन तो तब क्या लगे, वो विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दोस की स्पेसिफिक डेज के साथ क्या लगता है, डेज के जो फर्दर पार्ट्स होते हैं उनके साथ क्या लगता है. ठीक है, सो विल बी डिस्कसिंग. मैम जो 6 वाला सेंटेंस है ये आप एक दफा समझाएंगी दोबारा, मुझे कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि मैंने इसमें लास्ट नाइट पहले लगा दिया, मेरी मिस्टेक है. Who did you meet last night at the party? Time हमेशा आखर में जाता है, so last night end में चला जाएगा. मैम आपने 7 और 10 में जो है rule number 3 बोला, तो इसमें तो हम लोग पहले time कर रहे हैं और फिर place कर रहे हैं ना, तो हम 7 में भी तो ऐसे कर सकते थे कि I stayed at a camp site last summer in the morning. अगर हम इधर पहले आपने confuse कर लिया, उसमें मैंने आपको ये बताया कि रूल, ये जो पॉइंट नंबर 7 है इसमें दो रूल्स अप्लाई हो रहे हैं. ठीक है, एक रूल कौन सा है, एमपीटी. मैनर तो इसमें है नहीं, लेकिन प्लेस और फिर टाइम, यानी कि जो इन मरी एट कैंप साइट ये प्लेस है पूरी की पूरी. ठीक है, और लास्ट समर वो टाइम है, सो लास्ट समर आखिर में चला जाएगा. अब ये रूल, ये पहली चीज होगी. अब जब आप प्लेस को देखते हो, प्लेस भी दो किस्म के, इन मरी भी है और एट ए कैंप साइट भी है, तो दो इसमें रूल नंबर 3 लगता है जिसमें छोटा यूनिट पहले आएगा प्लेस का एट अ कैंप साइट, फिर बड़ा यूनिट आएगा इन मरी और टाइम आखिर में चला जाएगा. ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच. यू हैव अनदर क्लास इन अ व्हाइल, सो वी विल रैप अप हियर एंड वी विल कंटिन्यू टुमारो. ऑलराइट, थैंक यू.